आज हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे एक्सियल रिवर्स, ठीक है। एज ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 8-9-10 के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है 5 या 6 मार्क्स के हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब्स को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरा है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। ये देखिए हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या आता है, टू बी में इज एम आर वाज वेयर डी, ठीक। बीइंग बी और इसमें देखिए टू हैव में आता है हैव हैज हैड हैव, ठीक है। और टू डू में डू रीड डज, ठीक है। इसका हम लोग नॉर्मल जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का ऐसे हम लोग नॉर्मल सेंटेंस में करते हैं। अधिकतर इसका प्रयोग जो है टेंस में और कोई भी सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं उसमें किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी में कैन कूड मे माइट मस्ट विल शैल शुड, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ये सब आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसी का हम लोग को आगे जो है थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ना है। और थर्ड है मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी यूज टू डेयर नीड और टू, ये सब जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ड में आते हैं। इसका यूज हम लोग को ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में ही जानना है जो हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम लोग इसका डिटेल में, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ चुके थे। ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा मॉडल और तीसरा मार्जिनल, ठीक है। हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में तो जान चुके हैं, अब हम लोग को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानना है क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोग इसको पढ़ें और इससे बार बार देखें और इससे सीखें, ठीक है। और देखिए मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, मस्ट कैन कूड मे माइट विल वुड शैल शुड यूज्ड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मस्ट के बारे में देखेंगे, इसके बाद हम लोग सारा डिटेल में सभी मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं मस्ट। मस्ट मतलब होता है चाहिए, क्या होता है मस्ट मीन्स चाहिए, ठीक है। वर्ड इज यूज टू एक्सप्रेस मैंने इस, ये हम कब इसका प्रयोग करते हैं ये हमको देखना है, ठीक है। मस्ट जो है स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी, प्रबल संभावना, जब वहाँ पे हमारी प्रबल संभावना हो यानी संभावना एकदम सही हो तो वहाँ पे हम लोग करते हैं। सर्टेनिटी निश्चितता, जहाँ पे निश्चित हो, ठीक है। स्ट्रांग डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, जहाँ पे दृढ़ संकल्प हो माने कि कोई संकल्प हो एकदम दृढ़ निश्चित हो, ठीक है। नेसेसिटी आवश्यकता, जहाँ पे आवश्यकता हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन निर्देश, कंफ्यूजन अनिवार्यता या दृढ़ कर्तव्य, ये सब चीज़ें जहाँ होती हैं वहीं पे हम लोग को मॉडल ऑक्सिलरी में मस्ट का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसके एक एक यूज के बारे में देखते चलते हैं कि कहाँ पे ये प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। पहले हम लोग को क्या देखना होगा, स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी माने प्रबल संभावना, स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी प्रबल संभावना बताने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे प्रबल संभावना हो, ठीक है। संभावना माने कि कोई काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, माने फिर भी वहाँ पे हमारा वो दृढ़ हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी काम हो वो हमारा पे वहाँ पे दृढ़ होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा एक एक समझते हैं और कुछ हम लोग खुद अपने से एग्जाम्पल सोचते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, यू मस्ट नीड वाटर आफ्टर मील, ठीक है। आपको जो है खाना के बाद जो है पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। खाना खाने के बाद तो पानी की आवश्यकता एकदम प्रबल है, एकदम दृढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है, प्रबल संभावना है, ठीक है। अब देखिए, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, आपको जो है एक लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा के बाद थकना चाहिए, माने कि थक जाते हैं लोग,
ये स्ट्रांग है। वास्तव में कोई भी एक लंबी यात्रा करेगा तो वो थकेगा ही। यहाँ पे है स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी, ठीक। और देखिए द प्यून मस्ट बी इन द ऑफिस, माने होता है मीन्स प्यून मतलब चपरासी को ऑफिस में होना चाहिए। सही बात है, ये एकदम सर्टेनिटी है कि यहाँ पे हमारी प्रबल संभावना पता चल रहा है कि यहाँ पे प्यून को ऑफिस में होना चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी वाटर इन द वेल, कुएं में पानी होना चाहिए, कुएं में पानी होना चाहिए, ठीक है, एकदम ये निश्चित है, ठीक है। और बहुत सारे मतलब ऐसे सेंटेंस है जिससे हम लोग की स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी का पता चलता है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे यू मस्ट गो टू योर ऑफिस इन टाइम, आपको समय से ऑफिस पहुंचना चाहिए। इस तरह का सेंटेंस जो होता है हम लोग को स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। आइए एक बार हम लोग इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। मस्ट का प्रयोग देखिए किसमें होता है, यूज टू स्पीच, स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी प्रबल संभावना, सर्टेनिटी निश्चितता, ठीक है। इसका मीनिंग आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, हम सबका मीनिंग लिख दिए ताकि बच्चों को समझ में ना आए तो वो अच्छे से देख ले और समझ ले। स्ट्रांग डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, नेसेसिटी आवश्यकता, ठीक है। इंस्ट्रक्शन निर्देश, कंफ्यूजन अनिवार्यता, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी प्रबल संभावना बताने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे यू मस्ट नीड वाटर आफ्टर मील, ठीक है, आपको खाना के बाद माने पानी की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है। सही बात है, खाना खाने के बाद हमें पानी तो एकदम जरूरी है। यहाँ पे हमारी प्रबल संभावना है, ठीक है। यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, आपको जो है लंबी यात्रा के बाद थकना चाहिए, थकते ही हैं लोग लंबी यात्रा, ये भी हमारी प्रबल संभावना है, ठीक है। द प्यून मस्ट बी इन द ऑफिस, प्यून चपरासी को ऑफिस में होना चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी वाटर इन द वेल, कुएं में पानी होना चाहिए, ठीक है, कुएं में पानी तो होना ही चाहिए। यहाँ पे भी हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी शो हो रहा है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसका मस्ट का हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग कुछ सेंटेंस हम देख चुके हैं। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं सर्टेनिटी, निश्चितता के बारे में अब हम लोग कुछ अध्ययन करते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग मस्ट का दूसरा प्रयोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा है सर्टेनिटी, निश्चितता, ठीक है। निश्चितता को बताने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, अर्थात यहाँ पे हमारा जो है निश्चित है। आवर टीम, इसके लिए आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। आवर टीम मस्ट विन द मैच, हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए, ठीक है, यहाँ निश्चित है। आई मस्ट फिनिश द वर्क, मुझे जो है काम समाप्त करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा देखिए, ही मस्ट पास द एग्ज़ाम, उसे जो है एग्ज़ाम परीक्षा पास करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये निश्चितता शो कर रहा है, यहाँ भी हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग तीसरा प्रयोग देखते हैं, नेसेसिटी आवश्यकता, आवश्यकता जहाँ हमें कोई भी नेसेसिटी हो आवश्यकता हो वहाँ भी मस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे वी मस्ट रीड टू गेट गुड मार्क्स, हम लोगों को जो है अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है कि हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ने से हम लोग को गुड मार्क्स प्राप्त होगा, ठीक है। वी मस्ट यर्न टू सपोर्ट आवर फैमिली, हम लोगों को अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यर्न करना चाहिए, माने कि कुछ कमाना चाहिए, ठीक है, ये भी बात सही है, यहाँ पे भी हमारी आवश्यकता शो हो रही है। तीसरा देखिए, वी मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टार्ट आवर जर्नी ऑन आवर वे, हम लोगों को सुबह उठना चाहिए और अपने रास्ते पे अपना रास्ता शुरू करना चाहिए, यानी अपने रास्ते पर जाना चाहिए, कहने का तो यहाँ भी हमारी आवश्यकता है, इसलिए हमें सुबह उठना चाहिए, ठीक। वी मस्ट बिल्ड अप ए स्ट्रांग आर्मी टू डिफेंड द कंट्री, हम लोगों को जो है एक स्ट्रांग आर्मी माने एक जो है मजबूत सैनिक या सेना को तैयार करना चाहिए जिससे अपने हम लोग देश को जिता सके, ठीक है, जिससे हम लोग का मतलब कि देश जो है जीत सके, हाँ, जिससे हम लोग का सॉरी, वी मस्ट बिल्ड अप ए स्ट्रांग आर्मी टू डिफेंड आवर कंट्री, हम लोगों को जो है एक स्ट्रांग आर्मी मजबूत सेना का मजबूत सेना बनाना चाहिए, मजबूत सेना का निर्माण करना चाहिए जिससे हम लोग अपने देश की रक्षा
कर सकें, ठीक है। यहाँ भी जो है हमारी आवश्यकता है, ठीक है, यहाँ पे हमारी आवश्यकता सो हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग की समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग फिर से रिवीजन कर लें थोड़ा सा। इसमें बहुत ही सेंटेंसों में बहुत कम ही अंतर है जिससे आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सर्टेंटी, निश्चितता को बताने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। निश्चितता, जहाँ पे निश्चित हो, ठीक है। आइए देखते हैं। आवर टीम मस्ट विन द मैच, हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए, ये निश्चित है, जीतना चाहिए, ठीक है। वी आई मस्ट फिनिश द वर्क, हमें काम जो है समाप्त करना चाहिए, ठीक है, ये भी निश्चित है। ही मस्ट पास द एग्जाम, उसे एग्जाम पास करना चाहिए, जो कि निश्चित है, ये काम होगा, ठीक है। अब आगे आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। नेसेसिटी, आवश्यकता, आवश्यकता का बोध कराने के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे हमारी आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, इन सेंटेंसों में भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वी मस्ट रीड टू गेट गुड मार्क्स, हम लोगों को जो है अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहिए, हमारी आवश्यकता है कि हम अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक। वी मस्ट यर्न टू सपोर्ट आवर फैमिली, हमें अपने फैमिली का सपोर्ट करने के लिए कुछ मतलब कि यर्न करना चाहिए, यानी कुछ कमाना चाहिए, ठीक। वी मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टार्ट आवर वे, हम लोग को सुबह उठना चाहिए और अपने रास्ते को पर जाना चाहिए, अर्थात कहने करते कि सुबह उठेंगे तभी तो आप अपना रास्ते स्टार्ट करेंगे, ठीक। वी मस्ट बिल्ड अप ए स्ट्रांग आर्मी टू डिफेंड द कंट्री, हम लोगों को एक मजबूत सेना तैयार करना चाहिए जिससे हम लोग अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम लोग एक सेना तैयार करना चाहिए जिससे हम लोग अपने देश की रक्षा कर सके। यहाँ पे भी हमारी आवश्यकता है अपने देश की रक्षा करना है, इसलिए हम लोग को सेना तैयार करना है, ठीक है। आप लोग की समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग मस्ट का नेक्स्ट प्रयोग के बारे में देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे मस्ट के प्रयोग के बारे में देखते हैं। मस्ट का प्रयोग निर्देश, इंस्ट्रक्शन व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग कहीं पे कोई एग्ज़ाम या कुछ भी देने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वहाँ पे भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, उम्मीदवार को जो है सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, ठीक है। और दूसरा देखिए, कैंडिडेट मस्ट राइट द आंसर इन दियर ओन लैंग्वेज, उम्मीदवार को जो है अपने सभी जो है आंसर माने सभी उत्तर जो है अपनी भाषा में लिखना चाहिए। इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, स्कूल का हुआ चाहे कोई भी, तो वहाँ पे आप लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसे हम लोग वहाँ भी हमारा मस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग मस्ट का देखते हैं, नेक्स्ट यूज करते हैं। जहाँ पे मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता, कंफेशन, दृढ़ संकर्तव्य का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। मस्ट का प्रयोग जो है जहाँ पे हमारा दृढ़ कर्तव्य हो, ठीक है, वहाँ पे हमारा कर्तव्य है माने कि वो करना चाहिए, तो वहाँ पे भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, ही मस्ट एपोलॉजी फॉर हिज मिस्टेक, उसे जो है अपने गलती के लिए क्षमा करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, दे मस्ट रिकॉग्नाइज आवर राइट्स, वे जो है उन्हें जो है अपना अधिकारों को महसूस करना चाहिए, मानना चाहिए, ठीक है। राइट्स माने कर्तव्य को मानना चाहिए। वी मस्ट वर्शिप गॉड, हमें जो है ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इस तरह का चीज़ है जहाँ पे दृढ़ कर्तव्य है, करनी चाहिए होता है, वो जो है हमारा वहाँ पे मस्ट का प्रयोग होता है। वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें जो है गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह का कुछ सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, जैसे वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापकों का कहना मानना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें जो है ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। ये सब जो हमारा कर्तव्य है, उन लोग वो सब जो है हमें मस्ट का, हम लोगों को जो है हम लोग मस्ट का प्रयोग उसमें
करते हैं। जैसे हम लोग कुछ सेंटेंस लिख भी लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, पेरेंट्स, इसी तरह और सारे सेंटेंस हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, एक बार आइए हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये तो इजी है, आप लोग के समझ में आ जाएगा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। मस्ट का प्रयोग निर्देश इंट्रक्शन व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इंट्रक्शन, कहीं भी आप जाते हैं, एग्जाम दे, एग्जाम हो चाहे स्कूल का एग्जाम हो, वहाँ पर कुछ इंट्रक्शन दिया जाता है, जैसे सभी क्वेश्चन को करना है या 5 क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये छोटा लिखना है, एक वर्ड में लिखना है, सबका इंट्रक्शन दिया जाता है, वहाँ पे हमारा मस्ट का प्रयोग होता है। आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, उम्मीदवार को सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, ठीक है। और दूसरा देखिए, कैंडिडेट मस्ट राइट द आंसर इन दियर ओन लैंग्वेज, उम्मीदवार को जो है अपनी भाषा में सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आप ही अपनी भाषा में लिखना चाहिए, ठीक है। मस्ट का प्रयोग इंट्रक्शन देने के लिए, निर्देश देने के लिए भी किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता, कंफ्यूजन, दृढ़ संकल्प का बोध कराते हैं। अर्थात मस्ट का प्रयोग जो है दृढ़ संकल्प, दृढ़ कर्तव्य का बोध कराते हैं, वहाँ भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, वी मस्ट एपोलॉजी फॉर हिज मिस्टेक, उसे जो है अपने गलती के लिए जो है क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है। जब आप लोग गलती किए हैं तो आपको क्षमा मांगना चाहिए, यहाँ पे आपका कर्तव्य है कि आपसे गलती हुई है वो क्षमा मांगना चाहिए, ठीक है। दे मस्ट रिकोगनाइज आवर राइट्स, वे जो है अपने जो है उनको जो है अपने राइट्स माने कर्तव्यों को महसूस करना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट वर्शिप गॉड, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की कहना मानना, माता पिता का कहना मानना चाहिए। इस तरह का सेंटेंस में हम लोगों का मस्ट का प्रयोग हुआ है। मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आप लोग डिटेल में देख चुके हैं, आप लोग इसको अच्छा से बार बार पढ़िए, आप लोग के समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद जो है आप लोग हो सके तो अपनी खुशी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।